दोस्तों आज मैं आपको रॉयल एनफील्ड का इकलौता एडवेंचर बाइक हिमालयन की और एक कलर वेरिएंट दिखा रहा हूँ। अभी आप इस बाइक की स्लीट ग्रे वेरिएंट को देख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इस बाइक की रॉक रेड एंड ग्रेनाइट ब्लैक कलर वेरिएंट दिखा चुका हूँ। रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्लीट ग्रे कलर वेरियंट की ऑन रोड प्राइस कोलकाता है 2,32,200 रुपीज। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सहा डिस्ट्रीब्यूटर्स भवानीपुर कोलकाता में, जिनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अमित। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल की और एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों इस बाइक में BS6 कंप्लायंट 411cc सिंगल सिलेंडर टू वेल्व ऑयल कूल्ड फुल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है। ये इंजन मैक्सिमम 24.3 BHP पावर प्रोवाइड करेगा एट 6,500 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करेगा 32 Nm एट 4,500 RPM। किकस्टार्ट का ऑप्शन आपको इस बाइक में नहीं मिलेगा। एग्जॉस्ट मफलर की तरफ देखें तो इस एग्जॉस्ट मफलर में एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलेगा और इसके थोड़ा नीचे एक कैटालिटिक कन्वर्टर भी दिया गया है। इसके चलते अभी इस बाइक का एग्जॉस्ट गैस में पहले से और भी कम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। दोस्तों इस बाइक में वन डाउन फोर अप पैटर्न का 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे और भी एक फीचर्स इंजन के साथ ही जुड़ा हुआ है और वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच। इस स्विच के चलते साइड स्टैंड अगर डाला हुआ है तो आपका बाइक किसी भी गियर में स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ न्यूट्रल में ही स्टार्ट होगा। ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर्स है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। रॉयल एनफील्ड हिमालयन एडवेंचर बाइक लवर्स के बीच एक बहुत ही पॉपुलर बाइक है। आमतौर पर इस बाइक को टूरिंग पर्पस ही यूज किया जाता है, हालांकि सिटी कम्यूट में भी ये बाइक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन दोस्तों शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए ये बाइक थोड़ा अनकम्फर्टेबल है। इस बाइक में यहाँ पे क्लियर विंडशील्ड भी आपको मिलेगा जो विंड ब्लास्ट से आपको बचाएगा। दोस्तों इस बाइक में राउंड शेप हेडलाइट यूनिट मिलेगा और इस हेडलाइट में एक LED DRL एंड 55x60W का हैलोजन बल्ब मिलेगा। दोस्तों येलो लेंस वाला टर्न इंडिकेटर इस बाइक में आपको मिलेगा और हैजर्ड फीचर्स बाय डिफॉल्ट आपको इस बाइक में मिलेगा। इस बाइक में दो मडगार्ड यहाँ पे मिलेगा। ये ऊपर वाला मडगार्ड बॉडी कलर से मैच्ड है और ये नीचे वाला मडगार्ड मैट ब्लैक कलर का है। दोस्तों इस बाइक का फ्रंट में 41 मिलीमीटर डायमीटर का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, जिसका ट्रैवल लेंथ है 200 मिलीमीटर, और इस सस्पेंशन में सस्पेंशन कवर और बेलो भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के चलते फ्रंट सस्पेंशन की साइड में यहाँ पे येलो डिफ्लेक्टर भी आप देख पाएंगे। दोस्तों ये बाइक अभी स्विचेबल ड्यूल चैनल ABS के साथ आ रहा है। ऑफ रोडिंग के टाइम पे या फिर माडी सरफेस में बाइक चलाते वक्त आप चाहे तो रियर व्हील का ABS को ऑफ कर पाएंगे और इस ABS स्विचिंग का स्विच आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट व्हील में ड्यूल पिस्टन कैलिपर वाला 300 मिलीमीटर डायमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा। आप यहां पे ये ABS सेंसर और यहां पे ABS सेंसर प्लेट को देख सकते हैं। इस बाइक का फ्रंट व्हील में सेमी ऑफ रोड टाइप का 90x90 साइज का ट्यूब टाइप टायर मिलेगा और ये रिम 21 इंच डायमीटर वाला स्पोक टाइप रिम है। दोस्तों इस बाइक में 15 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक मिलेगा। टैंक के साइड में यहाँ पे मेटल ग्रिल दिया गया है, अगर बाइक गिर जाए तो ये ग्रिल बाइक को डैमेज होने से बचाएगा। इसके ऊपर में यहाँ पे रॉयल एनफील्ड बैजिंग भी मिलेगा। साइड की तरफ देखे तो साइड में हिमालयन बैजिंग भी यहाँ पे किया गया है। दोस्तों इस बाइक में वाइड एंड कम्फर्टेबल स्प्लिट सीट दिया गया है और आप देख सकते हैं कि राइडर सीट एंड पिलियन सीट दोनों सीट ही स्पॉन्जी टाइप है। इसी के चलते लॉन्ग राइड में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रियर साइड में एक लगेज कैरियर भी यहाँ पे दिया गया है। टेल लाइट की तरफ देखें तो इस बाइक में स्क्वायर टाइप फुल्ली LED टेल लाइट मिलेगा और दोस्तों इस बाइक का रियर साइड में भी येलो लेंस वाला टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। इस बाइक का रियर व्हील में मिलेगा सेमी ऑफ रोड पैटर्न का 120x90 साइज का ट्यूब टाइप टायर और इस बाइक का रियर व्हील 17 इंच डायमीटर वाला स्पोक टाइप रिम है। इस बाइक का रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला 240 मिलीमीटर डायमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा। रियर व्हील का जो ABS सेंसर है उसको आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं।
दोस्तों इस बाइक का रियर साइड में 5 स्टेप एडजस्टेबल लिंकेज टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा और इसका व्हील ट्रैवल लेंथ है 180 मिलीमीटर। फ्रेम की तरफ देखें तो इस बाइक में हाफ डुप्लेक्स स्प्लिट क्रैडल टाइप चेसिस का यूज किया गया है और यहाँ पे इस फ्रेम के साथ एक मेटल इंजन गार्ड भी यहाँ पे अटैच किया गया है जो ऑफ रोडिंग के टाइम पे इंजन ब्लॉक को प्रोटेक्ट करता है। इस बाइक का रियर साइड में बॉक्स टाइप स्प्रिंग आर्म भी यहाँ पे आपको मिलेगा और दोस्तों इस बाइक का फ्रंट फुटपेक का जो रबर है उसको आप खोल सकते हैं। इस बाइक में क्रोम फिनिश क्लच एंड ब्रेक लीवर भी मिलेगा। दोस्तों इस बाइक में डिसेंट क्वालिटी का स्विच कंसोल मिलेगा। राइट साइड में इंजन के स्विच, हैजर्ड ऑन ऑफ स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिलेगा और लेफ्ट साइड में मिलेगा पास बीम स्विच, हाई लो बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच एंड हॉर्न स्विच। दोस्तों इस बाइक में व्हाइट बैकलिट वाला एनालॉग एंड डिजिटल कंबाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एनालॉग स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर एंड फ्यूल मीटर मिलेगा और डिजिटल में टाइम, टेम्परेचर, ओडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर, ट्रिप एफ मीटर, एवरेज स्पीड, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर मिलेगा। और दोस्तों इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एक कंपास भी दिया गया है। इसके अलावा हाई बीम इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, एबीएस इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर एंड बैटरी हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर भी मिल जाएगा। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 220 मिलीमीटर, सीट हाइट है 800 मिलीमीटर, व्हील बेस है 1465 मिलीमीटर एंड कार्ब वेट है 187 केजी। तो दोस्तों ये था रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्लीट ग्रे वेरिएंट का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। मुझे तो ये बाइक बहुत ही अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।